जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस समय सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, मुख्य जी से बात कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? उज्जैन में जो कोरोना की दर बढ़ी है उसको देखते हुए दो प्रकार से पब्लिक में, आम जनता में जागरूकता बढ़ाने, साथ में गाइडलाइन का पालन कराने के लिए ये कार्रवाई चराहे चौराहे पर की जा रही है। सभी टीमें लगाई गई हैं, इसमें पुलिस और प्रशासन नगर निगम की जॉइंट टीम लगी है। ऐसे लोग जो गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं उनका मौके पर स्पॉट फाइन, साथ में कई ऐसे लोग जिनको बार बार ऐसा वायलेशन करते हैं तो उनको हम अस्थायी जेल, जो जेल वाहन उनके माध्यम से जेल भेजा जा रहा है, वहाँ उनको समझाइश दी जा रही है, साथ में उनको मास्क प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आम आदमी में जो बढ़ते हुए कोरोना है उसको रोकने के लिए उनमें खुद से जागरूकता उत्पन्न हो, न केवल वो स्वयं बल्कि अपने परिवार और समाज को भी कोविड गाइडलाइन को पालन कराने में सहयोग करें। अच्छी कार्रवाई देखने को मिली है, होम कैफे हाउस और लक्ष्मी विलास को सील किया है, क्या है कारण? कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है इसके चलते माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय ने ये निर्देश दिए थे, आदेश जारी किए थे कि जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वो बैठक व्यवस्था करके अंदर खाना नहीं खिलाएंगे, वो पार्सल की सुविधा देंगे। अभी हम जब आए यहाँ देखा तो अंदर लोग बैठ के खाना खा रहे थे, जो धारा 144 का जो आदेश था उसका उल्लंघन था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे, इसके चलते उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और ओम कैफे हाउस और लक्ष्मी विलास रेस्टोरेंट इनको सीज किया गया है। सर आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? सीज किया गया है इनको, नोटिस देके आगे जो भी कार्रवाई होगी 144 के उल्लंघन में वो की। कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? कोरोना के नियंत्रण के लिए जब तक कोरोना पर प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं पाया जाता तब तक निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी।